हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी कि शायद सऊदी अरबिया पीसीसी को लेकर कुछ राहत मिल जाए, कुछ मोहलत मिल जाए, लेकिन वो राहत नहीं मिल पाई है, मोहलत नहीं मिल पाई है। कोई डेट आगे नहीं बढ़ाई गई है और आज 22 अगस्त 2022 से पीसीसी का नियम लागू हो चुका है। यानी आज से जो भी नए वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सऊदी अरबिया के लिए स्टाम्पिंग के लिए जाएंगे, चाहे मुंबई काउंसलेट में चाहे दिल्ली काउंसलेट में, उसके लिए पीसीसी अनिवार्य हो चुका है। हालांकि 2-3 दिन पहले जो रिक्वायरमेंट एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और वर्किंग सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुंबई में सऊदी अरबिया के काउंसलेट में मुलाकात की थी अधिकारियों से और उनसे कुछ वक्त मांगा था कि इस 22 अगस्त की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगस्त महीने में बहुत सारी छुट्टियां पड़ी हैं। इसके अलावा मोफा अपडेट को लेकर भी दिक्कतें हुई हैं, इसलिए इस तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन ये तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई है। आज 22 अगस्त 2022 से पीसीसी का रूल लागू हो चुका, यानी आज से जो भी वीज़ा स्टाम्प होंगे सऊदी अरबिया के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, उनके लिए पीसीसी जरूरी होगा, जिसे आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। ये आपको पासपोर्ट ऑफिस से बनवाना पड़ेगा और आपको ये थाने पर अपनी रिपोर्ट लगवानी पड़ेगी, जो आपका थाना होगा आपके ज़िले का, वहाँ से आपकी रिपोर्ट ओके की लगेगी कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। फिर उसके बाद पासपोर्ट कार्यालय आपके पीसीसी को आपके एड्रेस पर, आपके पते पर भेज देगा। जैसे पासपोर्ट आपको मिलता है ठीक उसी तरीके से पीसीसी भी दो पन्ने का आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपका वीज़ा सऊदी अरबिया के लिए स्टाम्प होगा। तो बहरहाल दोस्तों, ये अपडेट थी कि पीसीसी की तारीख आगे नहीं बढ़ी है। आज 22 अगस्त 2022 से ये पीसीसी का रूल लागू हो चुका है सऊदी अरबिया के लिए। पीसीसी कराने के लिए दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, जैसे पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट लेते हैं उसी तरीके से अपॉइंटमेंट लेना होगा। पासपोर्ट ऑफिस में आपको जाना होगा। पासपोर्ट ऑफिस में जब आप जाएंगे तब आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, जो पासपोर्ट की कापी ही सिर्फ नहीं, आपको ओरिजिनल पासपोर्ट साथ रखना है और आधार कार्ड साथ रखना है। वहाँ पर आपका पासपोर्ट देखेंगे, इसके अलावा आधार कार्ड भी देख सकते हैं, कभी कभी आधार कार्ड नहीं देखते, केवल पासपोर्ट ही देखते हैं, और आपका पीसीसी का फॉर्म वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके थाने पर जाँच आएगी। जाँच फाइनल हो जाने के बाद, पुलिस रिपोर्ट सही से लग जाने के बाद आपका पीसीसी आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका वीज़ा स्टाम्प होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे जैसे जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।